सालों से लगातार देश की गोदी मीडिया के जरिए लगातार टेलीविजन पर यही दिखाया जा रहा है कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि मोदी जी का डंका विश्व में बज तो बज कहां रहा है, लेकिन यह जरूर पता चल गया है कि विश्व में मोदी जी की कैसी लंका लग रही है। मैं आपको बता दूं, और फैसला आपके हाथ में है कि मोदी जी का डंका बज रहा है या मोदी जी की लंका लग रही है। 21 तारीख को नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका के दौरे से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन किया था, नरेंद्र मोदी जी से ठीक एक दिन पहले अमेरिका के अंदर उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा। मैं आपकी स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूं ये देख लीजिए और जरा इसको पढ़ लीजिए, ये राइट्स की रिपोर्ट्स है। अब इसके बाद में जो अंधभक्त हैं वो ये कहेंगे कि भाई विदेशी मीडिया मोदी जी को बदनाम करने का काम कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो देश की जो मीडिया है आज तक ने भी इस रिपोर्ट को छापा है। देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा है कि पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में दिखाई जाएगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। और मैं आपको बता दूं कि 21 जून को नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का दौरा है और उसी वक्त ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री एक दिन पहले दिखाई जाएगी। और मैं आपको दिखा दूं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से पहले जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वहां दिखाई जाएगी तो किस किस को आमंत्रित किया गया है, वहां पर अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले 20 जून को डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग रखी है। और इसमें किस किस को आमंत्रित किया है मैं आपको बता दूं, सांसदों, पत्रकारों और विश्लेषकों को वहां पर आमंत्रित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो देश की गोदी मीडिया लगातार दिखाती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, ये डंका नहीं, ये तो लंका लग रही है मोदी जी की। और मैं आपको बता दूं इसको लेकर एक बड़े स्तर पर अमेरिका के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए कि मोदी नॉट वेलकम, ये लोग लिख रहे हैं कि मोदी नॉट वेलकम, यानी अमेरिका के अंदर एक बड़े स्तर पर वहां पर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि मोदी नॉट वेलकम आपने ये देख ही लिया है वहां पर जिस तरीके से। और आपको बता दूं इसी के साथ साथ 15 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने जो बाइडेन को लेटर लिखा है। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 15 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने जो बाइडेन को लेटर लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी को डिनर पर जो है वो ना बुलाया जाए, मोदी जी का डिनर जो है वो कैंसल किया जाए। ये 15 ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो जो बाइडेन को लेटर लिखा है और उस लेटर में बोला गया है कि मोदी जी को डिनर पर ना बुलाया जाए। और अब मैं आपको बता दूं किसी के साथ साथ ये बड़े लेवल पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है जिसमें बड़े बड़े पत्रकार भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कि क्या लिखा हुआ है, जो पत्रकार हैं पीटर वो क्या लिखते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट इन डीसी टू टेल प्रेसिडेंट। ये देख लीजिए जो बाइडेन को लेकर भी लिखा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है वो मोदी जी का जो है वो डिनर कैंसिल कर रहा है, उसके बाद पत्रकार भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं किसी के साथ साथ जो नफरती चिंटू हैं वो नफरती चिंटू क्या कर रहे हैं जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति जिसका नाम मैं आपको बता दूं कि क्या है, इसका व्यक्ति का नाम है अमिताभ मित्तल। अमिताभ मित्तल क्या लिखता है मैं आपको बता दूं, किसको लिखती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इन लोगों का जो है वो बाइट लिया जा रहा है गोदी मीडिया वालों का। देखिए क्या लिखती है मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा जाता है ही पीएम मोदी इज अ मैन ऑफ एक्शंस, ही हैज ट्रांसफॉर्म इंडिया। भैया पहला सवाल तो ये कि अगर मोदी जी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया को तो तुम यूएस में रहकर क्या कर रहे हो, तुम इंडिया क्यों नहीं आ जाते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं, ये लिखता है कि इंडिया हैज बीन वेटिंग फॉर समवन लाइक हिम टू कम टू टेक चार्ज सेज इंडिया अमेरिकन कम्युनिटी लीडर्स। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, इसको ऐसा आप सबके सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है कि एक आम व्यक्ति, एक कॉमन पीपल है जो बड़ी बेसब्री से नरेंद्र मोदी जी के आने का इंतजार कर रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, आप जाकर इसको गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए इसकी सच्चाई क्या है, इस व्यक्ति का नाम है अमिताभ मित्तल जो कि विश्व हिंदू परिषद का एक सदस्य है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ जो इंडिया है इसने इस व्यक्ति की जो बाइट है उसको लेकर चलाया और दिखाया है कि एक आम आदमी है जो मोदी जी का बड़ी बेसब्री से वहां पर इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ साथ ये देख लेते हैं कि नफरती चिंटों को तो हमने देख लिया, देश की गोदी मीडिया क्या कर रही है यह भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये न्यूज 18 का एक कार्यक्रम है जिसमें लिखा जाता है विश्व गुरु मोदी ने ऐसे संभाला महातूफान। एक और देख लीजिए, एक और मैं आपको बताता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर,
समुद्र में उफान, समुद्र में उफान विप्रो जॉय से विश्वगुरु ने बचा लिया भारत को। ये न्यूज 18 का प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ था। और इसी के साथ साथ इंडिया टुडे लिखता है द बिगेस्ट मोदी अमेरिका विजिट, कि मतलब ये बहुत बड़ी अमेरिका की विजिट है नरेंद्र मोदी जी की, इससे बड़ी आज तक कोई विजिट ही नहीं हुई। अगर इतनी बड़ी विजिट है तो ये वही जो बाइडेन है जिनके खिलाफ में नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के लिए कैंपेनिंग करने के लिए गए थे। आपको याद होगा कमला हैरिस जो कि भारत देश की मूल निवासी है, भारत देश की बेटी थी, उसके विरोध में भी नरेंद्र मोदी जी वहां पर प्रोटेस्ट करने गए थे। अब अंधभक्त इस पर अपनी क्या राय देंगे यह जानना भी बेहद जरूरी है। क्या ये एक मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में या मोदी जी की लंका लग रही है, जरा ये जरूर बताएं मुझे अंधभक्त। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो तमाम जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको इंडिया के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडिया को जो है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को जो है वो बैन कर दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका के दौरे से ठीक एक दिन पहले उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को वहां पर दिखाया जाएगा। और दिखाने के साथ साथ उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए वहां के सांसदों और पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया गया है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।